मैं सिर्फ वो स्वतंत्रता का को एक्सरसाइज कर रहा हूं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हम लोग। तमाम दलों ने जो कि इंडिया अलायंस का हिस्सा है, उन सब ने सर्वसम्मति से माना कि यह रास्ता हमें अपना बदलना होगा। इस रास्ते पे चलकर हम इस पाप का भागीदार नहीं बनेंगे। इसलिए इसको आप बैन मत कहिए, इसको आप बॉयकॉट मत कहिए, इसको आप ब्लैकलिस्ट मत कहिए, ये सविनय अवज्ञा है, पिछले वाले और इस वाले। और हम अपने कर्नाटक का एक मैनिफेस्टो लाकर और सामने आमने बैठकर बात करते हैं। आप सब जज बन जाइएगा। यू बी द ज्यूरी, वी आर रेडी टू डिबेट। जब आप चीन को क्लीन चिट देते हैं ना कि ना कोई घुसा, ना कोई आया, ना कोई घुसा हुआ है, तब आप सेना का मनोबल गिराते हैं। बहादुर सैनिक हमारे लड़ने को तैयार हैं, जांबाज सैनिक हैं, लड़ते हैं, शहीद भी होते हैं, लेकिन यहाँ बैठकर दिल्ली में जब आप उनका मनोबल गिराते हो और दुश्मन को क्लीन चिट देते हो, वो हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। नागपुर में एक आदमी है ना जो रिमोट कंट्रोल लेके बैठते हैं, क्या नाम है, मोहन भागवत। अभी 8 दिन पहले मोहन भागवत ने यही कहा, तब तो अनुराग ठाकुर को आपत्ति नहीं थी। क्या कहा मोहन भागवत जी ने कहा कि 2000 साल से हमने कुछ लोगों को पाशविक जीवन बिताने पर मजबूर कर दिया, उनका शोषण किया। दिस इज अ वेरी हिस्टोरिक CWC बीइंग हेल्ड इन हैदराबाद, वेल ऑलमोस्ट ऑन द ईव ऑफ crucial assembly elections to 5 states, almost on the eve of the Lok Sabha election also. आप सबका इस ऐतिहासिक CWC की बैठक जो हैदराबाद में हो रही है, हैदराबाद में आप सबका स्वागत है। ये बड़ी ऐतिहासिक बैठक इसलिए है कि 5 राज्यों में असेंबली चुनाव होने हैं, उसके कुछ महीनों बाद लोकसभा चुनाव होने हैं। फॉर द लास्ट 1 ईयर यू हैव सीन दैट द कांग्रेस पार्टी हैज बीन लिटरली ऑन द रोड्स ऑफ दिस कंट्री, पिकिंग अप इश्यूज ऑफ द पीपल, एड्रेसिंग द इश्यूज ऑफ द पीपल, टॉकिंग अबाउट इश्यूज विच अनफॉर्चुनेटली डू नॉट फाइंड टू बी इन द मेन स्ट्रीम ऑफ आर नैरेटिव anymore for the last 9 years. पिछले एक साल से आप देख रहे हैं लगातार कांग्रेस पार्टी इस देश की सड़कों पर है, गलियों में है, ऐसे मुद्दे उठा रही है, ऐसे मुद्दों पर चर्चा कर रही है जिन मुद्दों को आजकल विमर्श में, संवाद में स्थान नहीं मिलता। पिछले 9 साल से वो मुद्दे अपना स्थान ढूंढ रहे थे। A lot of you had a complaint with the Congress party that we are not there on the streets of this country. I hope that complaint is over now. Mr. Rahul Gandhi undertook an arduous 4,000 kilometer Bharat Jodo Yatra, which continues even now as we speak. Because Bharat Jodo Yatra was a turning point in the way we do our politics. राहुल जी ने 4000 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा की, और उस भारत जोड़ो यात्रा जो आज भी जारी है, वो कभी आपको आजादपुर मंडी में दिखती है, कभी मोटर मैकेनिक के यहां दिखती है, कभी मणिपुर में दिखती है, कभी लद्दाख में दिखती है, कभी मोटरसाइकिल डायरीज के माध्यम से दिखती है। उस भारत जोड़ो यात्रा ने राजनीति का की दिशा बदल दी। देश में अब राजनीति वापस वैसी नहीं हो सकती जैसे कि अब तक हो रही थी। मुद्दों पर आना पड़ेगा। आप नरेंद्र मोदी हो, आप अमित शाह हो, आप कोई हो, आपको मुद्दों पर आना पड़ेगा। दे हैव बीन ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट आर अटेंशन ओवर द लास्ट 9 ईयर्स फ्रॉम वन मेक बिलीव कंट्रोवर्सी टू अनदर, मिथिकल कंट्रोवर्सी टू अनदर। बट भारत जोड़ो यात्रा हैज चेंज दैट। वेदर यू आर नरेंद्र मोदी और अमित शाह, यू विल हैव टू कम डाउन ऑन एक्चुअल इश्यूज दैट फेस दिस कंट्री। That's what the Bharat Jodo Yatra has done. But now, I must tell you, it's very difficult for them because it's not in their curriculum. Their curriculum is different from the curriculum which people want. Bharat Jodo Yatra has ensured that the curriculum is decided by the people. Jo paathya
पाठ्यक्रम होता है, अब वो पाठ्यक्रम जनता तय करेगी, यह भारत जोड़ो यात्रा ने सुनिश्चित कर दिया। पाठ्यक्रम अब नागपुर से नहीं बन सकता, पाठ्यक्रम अब पार्टियों के हेडक्वार्टर से नहीं बन सकता, पाठ्यक्रम सड़कों और गलियों और गांवों और ढाणियों से बनेगा, यह निश्चित किया भारत जोड़ो यात्रा ने। इन दिस लास्ट वन ईयर यू ऑल्सो सीन अनदर हिस्टोरिक इलेक्शन दैट टुक प्लेस विद इन आवर पार्टी एंड मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ आवर पार्टी, अ वेरी हिस्टोरिक मोमेंट अगेन। आई एम रिकाउंटिंग द हिस्ट्री ऑफ द रन अप टू दिस CWC बिकॉज इट्स एज इंपॉर्टेंट एज द CWC। No other party in this country has had this kind of an open election. We are very proud of our tradition of this, electing our president through an open election. No other party has done it. So that's another historic milestone that we achieved in this last 1 year. So when we meet today, in a few hours from now, in the CWC, there will be an open discussion. Everybody is free to voice his or her opinion, suggestion, criticism. That's the way our party functions. That's the way the blood in the veins of our party stays fresh and boiling. पिछले एक साल में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हुई जो किसी और पार्टी में ऐसी उपलब्धि नहीं हो सकती है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी में हो सकती है। हमारी पार्टी के भीतर चुनाव हुआ और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अध्यक्ष चुने गए। यह एक मील का पत्थर है पार्टी के अंदर लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, यह उदाहरण हमने पूरे देश में हर राजनीतिक पार्टी के सामने रखा है। आज कुछ घंटों बाद जब हम कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में बैठेंगे तो खुले मन से जिसको जो चर्चा करनी है, जिसको जो सुझाव देना है, जिसको जो अपनी बात और अपना मंतव्य रखना है वो रख पाएंगे। ये हमारी पार्टी का लोकतंत्र है। इस तरीके से इस पार्टी की धमनियों में जो रक्त है, जो खून है, वो गर्म रहता है, उसमें उबाल रहता है, वो बहता रहता है और वो जीवन की संचार करता रहता है। ये अंतर है हमारी पार्टी और अन्य पार्टियों में। शाम को आपको जानकारी भी दी जाएगी कि क्या क्या निर्णय लिए गए, किसने क्या कहा, कितना महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हुई, वो तमाम बातों पर शाम को आपसे फिर हम मुखातिब होंगे, आपसे बात करेंगे। इन द इवनिंग वील अप्राइज यू ऑफ ऑल द डेलिबरेशंस, द डेवलपमेंट्स ऑफ द डे, द रेजोल्यूशंस, द डिसीशंस पास्ड बाय द CWC। एट एवरी स्टेज वील एंश्योर दैट वी keep you informed, and through you we keep the country informed. The entire country today, India is watching Hyderabad. They are interested in knowing what the Congress party has to say on the eve of these crucial elections. And we understand the responsibility on our shoulders. In all humility, we will ensure that we do justice to the aspirations and the expectations people have from us. Having said that, I think let's open the you should ask your questions. Don't ask me anything about what we'll decide in the CWCT. We don't know. It's a very democratic process. People will decide and we'll apprise you in the evening. Your questions, please. Ab aap apne sawal poochiye. CWC mein kya hona hai, wo sham ko aapko जरूर हम मुखातिब होकर बताएंगे। उसके अलावा और कुछ पूछना है तो पूछिए। यू टेक अ माइक। सर, 14 एंकर्स हैव बीन बैन्ड बाय द इंडिया ब्लॉक। ऑल्सो बीजेपी इज टारगेटिंग एंड सेइंग दैट इफ कांग्रेस हैज टू राइज दे शुड बैन राहुल गांधी। हाउ डू यू सी द स्टेटमेंट कमिंग सर? आई डू नॉट अग्री विद द वर्ड यू यूज्ड। वी हैव नॉट बैन्ड एनीवन, वी हैव नॉट बॉयकॉटेड एनीवन, वी हैव नॉट ब्लैकलिस्टेड एनीवन। दिस इज अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। We will not cooperate with anybody spreading hatred in the society.
वी आर नॉट स्टॉपिंग देम फ्रॉम स्प्रेडिंग हेट्रेड. यू वॉन्ट टू स्प्रेड हेट्रेड, गो अहेड, डू इट. यू हैव अ फ्रीडम टू डू इट. वी ऑल्सो हैव अ फ्रीडम नॉट टू बी पार्टनर्स इन दैट क्राइम. दे आर नॉट आर एनिमीज. वी डू नॉट हेट एनी ऑफ दीज फ्रेंड्स ऑफ आवर्स इन द मीडिया. दे मे हैव देयर कंपल्शंस एंड नथिंग इज परमानेंट. इफ टुमारो दे रियलाइज दैट वॉट दे वर डूइंग इज नॉट गुड फॉर इंडिया, नॉट गुड फॉर द सोसाइटी, बिलीव मी वी आर ऑल टुगेदर इन दिस, वील अगेन स्टार्ट अटेंडिंग देयर शोज. सो डू नॉट कॉल इट अ बैन. हिंदी में इसको हम सविनय अवज्ञा कह सकते हैं, इसको हम असहयोग आंदोलन कह सकते हैं. हम तो गांधीवादी तरीकों से सिर्फ अपने आप को उस रास्ते से अलग कर रहे हैं. अगर मैं एक रास्ते पे रोज चलता हूं और कोई मुझ पर कचरा फेंकता रहता है तो मैं अपना रास्ता बदलने की स्वतंत्रता रखता हूं. मैं सिर्फ वो स्वतंत्रता का को एक्सरसाइज कर रहा हूं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हम लोग. तमाम दलों ने जो कि इंडिया अलायंस का हिस्सा है, उन सब ने यह सर्वसम्मति से माना कि यह रास्ता हमें अपना बदलना होगा. इस रास्ते पे चलकर हम इस पाप का भागीदार नहीं बनेंगे. इसलिए इसको आप बैन मत कहिए, इसको आप बॉयकॉट मत कहिए, इसको आप ब्लैकलिस्ट मत कहिए, ये सविनय अवज्ञा है. पवन जी, सुरेखा बोल रही हूँ मैं इंडिया टीवी से. अग्निवीर योजना और वन रैंक वन पेंशन को लेकर जो है राहुल गांधी जी का जो लद्दाख में एक वीडियो आया है, वायरल हुआ है, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. और खासकर बीजेपी और विपक्षी पार्टियां भी ये कह रही है कि जिस तरीके से ये जो कुछ कहा गया है इसमें उन्हें पॉलिटिकल पार्टी के मनोबल को गिराने के बाद बार बार की जा रही है और देश को बेचने के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं. तो इस तरीके मनोबल कब गिरता है सेना का? मैं बताता हूं, सेना का मनोबल तब गिरता है जब एक तरफ हमारे जवान शहीद हो रहे हों और दूसरी तरफ जश्न मनाया जा रहा हो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, प्रधानमंत्री के ऊपर गुलाब के फूल और पंखुड़ियां फैलाए जा रहे हों, गिराए जा रहे हों, फेंके जा रहे हों, तब मनोबल गिरता है. आप फौज के नाम पर वोट मांगने में नहीं शर्माते हो, लेकिन जब हमारे जवान शहीद हो रहे होते हैं तो एक शब्द ट्वीट नहीं कर पाते प्रधानमंत्री, तब मनोबल गिरता है. जो राहुल गांधी ने कहा वो तमाम रिटायर्ड जवान हमारे वही बात कह रहे हैं. हमारा एक स्टेटमेंट कर्नल रोहित चौधरी जो हमारे एक्स सर्विसमैन सेल के अध्यक्ष हैं, वो थोड़ी देर में अब रिलीज करने वाले हैं उस पर. और आप स्वयं देखेंगे जितने वेटरन्स हैं वो राहुल जी की इस बात से सहमत हैं. तो हम सरकार से यह आग्रह करते हैं, मनोबल मत गिराइए सेना का. जब आप चीन को क्लीन चिट देते हैं ना कि ना कोई घुसा, ना कोई आया, ना कोई घुसा हुआ है, तब आप सेना का मनोबल गिराते हैं. बहादुर सैनिक हमारे लड़ने को तैयार हैं, जांबाज सैनिक हैं, लड़ते हैं, शहीद भी होते हैं. लेकिन यहां बैठकर दिल्ली में जब आप उनका मनोबल गिराते हो और दुश्मन को क्लीन चिट देते हो, वो हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा. माइक सर, बीजेपी का ये कहना है, अमित शाह जो गृहमंत्री, उन्होंने ट्वीट किया एक सर्वे का हवाला देते हुए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक ग्लोबल लीडर बन गए हैं और उस सर्वे में 76% के साथ सबसे आगे हैं और उसमें ऋषि सुनक से लेके जो बाइडन समेत तमाम जो बड़े दूसरे राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको भी मोदी जी ने जो है पछाड़ दिया है. क्या कहना है कांग्रेस पार्टी? अब आपने ये सर्वे का सवाल पूछा, जब आप सवाल पूछ रहे थे मैं बाकी चेहरे देख रहा था आपके साथियों के, सब हंस रहे थे. अगर आप वो चेहरों की हंसी देख लेते तो आपको सवाल का जवाब मिल जाता. जब कोई पार्टी चुनाव से पहले इस तरह के हथकंडे अपनाती है ना, तो समझ लीजिए कि उनको समझ में आ गया है क्या होने वाला है. ग्लोबल लीडर बन गए साहब, और ऋषि सुनक को पीछे छोड़ दिया. चुनाव आपका ऋषि सुनक से नहीं होना, चुनाव आपका इस देश की जनता से होना है. वोटर इस देश की जनता है, ऋषि सुनक के वहां के लोग नहीं आपको वोट देने आ रहे. अभी आपने उनका सम्मान किया, आपने तमाम अतिथियों को बुलाया और वो अभी घर पहुंचे, उनका वो उतरा भी नहीं होगा जेटलैग. आप उनका अपमान कर रहे हो कि साहब हमारे नरेंद्र मोदी जी तो ऋषि सुनक से भी आगे हो गए और जो बाइडन से भी आगे हो गए. अरे साहब उनसे क्यों मुकाबला कर रहे हो? महंगाई से मुकाबला करो, बेरोजगारी से मुकाबला करो, जो सीमा पार चीन घुसा चला आ रहा है उसका जवाब दो. तो ये हथकंडे
दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि ऊपर कितनी घबराहट है। गृह मंत्री का ये काम है, अब देश के गृह मंत्री हैं। मणिपुर पे चर्चा करिए, आइए, देश का गृह मंत्री कोई फर्जी सर्वे लाकर ट्वीट कर रहा है कि देखो प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से आगे हो गए। अब ये क्या, ये सनक क्या है सुनक से आगे होने की, हमें तो यह नहीं समझ में आ रहा। क्या ऋषि सुनक यहां इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं अगली बार 2024 में? प्रधानमंत्री को अब समझ जाना चाहिए, हो गया 10 साल हो गए, जनता थक गई अब आपसे, आप भी शायद थक गए होंगे, आराम करिए। 18-18 घंटे काम किया है, थोड़ा नींद भी आनी चाहिए, अब सोना भी चाहिए। पवन जी, रवि त्रिपाठी हूं मैं, इधर से सवाल है। आप बार बार कहते हैं बीजेपी के लोगों को कि वो नफरत फैलाते हैं, लेकिन अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि आपने तो नफरत का मेगा मॉल खोल रखा है सनातन धर्म वाले मामले का हवाला देते हुए, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, इस पर नागपुर में एक आदमी है ना जो रिमोट कंट्रोल लेके बैठते हैं, क्या नाम है, मोहन भागवत। अभी 8 दिन पहले मोहन भागवत ने यही कहा, तब तो अनुराग ठाकुर को आपत्ति नहीं थी। क्या कहा मोहन भागवत जी ने कहा कि 2000 साल से हमने कुछ लोगों को पाशविक जीवन बिताने पर मजबूर कर दिया, उनका शोषण किया। क्यों कहा था उन्होंने? किसी भी समाज में, धर्म में कोई खामियां आ जाती हैं, त्रुटियां आ जाती हैं, बुराइयां आ जाती हैं, उसे दूर करने का काम हमारा अपना है। मोहन भागवत जी की बात से तो सब अनुराग ठाकुर सहमत थे, तो त्रुटियों की बात कर रहे हैं। हर धर्म, हर समाज, हर संगठन को अपने भीतर की त्रुटियों पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए और उनको दूर करना चाहिए, जो मोहन भागवत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट बोल तो रहे हैं कि मैं कर रहा हूं। पवन सर, Niyamika from Times Now. Sir, I have two questions. First is that just on the day of this CWC meeting, a poster has been used by the BRS in which various senior leaders of the Congress party's pictures are there, and they have named it as Corrupt Working Committee. Your response to that? And second question... My response is, look who's talking. Yesterday we got a breaking news that the daughter of the chief minister will be summoned again. We know what's happening where. You come to Hyderabad, you enter Telangana, you start hearing stories of corruption, of land scams, of mega scams in the last 7-8 years, 9 years. So our limited response is, look who's talking. And if they have the courage, we are ready for a debate on the scams done by the BRS in this state. Sir, and in fact, even outside the state. Sir, my another question is that one of the Sikh boy is being attacked in Canada, and the India has also taken a very strong stand, and now the FTA has been suspended by India with the Canada because of the repeated pro-Khalistani incidents taking place in Canada. We've been observing the increasing intolerance in Canada against our citizens, against people belonging to the Sikh community, the Hindu community, the Muslim community, but our people. And we hope that the government of India and the MEA will take it up in the strongest possible manner to ensure that the lives and properties are protected of people from India. Khera sahab, CM sahab ki beti hai K Kavita. उन्होंने CWC शुरू होने से ठीक पहले उन्होंने राहुल गांधी की कैपेबिलिटी पर सवाल उठाया था, जिसका जवाब कल जयराम रमेश साहब ने दिया कि वो राहुल गांधी की चिंता ना करें, ईडी की चिंता करें। उसके बाद कविता जी का बयान आया है कि मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि पवन बंसल साहब, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी पे जो ईडी के मामले चल रहे थे वो अचानक से स्लो क्यों हो गए? तो क्या कोई मिलीभगत है कांग्रेस और बीजेपी? लगता है वो अखबारें नहीं पढ़ती, हो सकता है समय नहीं मिलता हो, व्यस्त रहती हैं आजकल। लगातार हमारे केसेस चल रहे हैं, लगातार हम लोग, आपने तो देखा राहुल गांधी की सदस्यता तक गई, वो भी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वापस स्थापित हुई। तो क्या उन्हें नहीं मालूम कि हम किस तरह का संघर्ष कर रहे हैं? क्या उन्हें नहीं मालूम कि राहुल गांधी को घर से बाहर निकाल दिया गया? उन्हें नहीं मालूम हिम्मत है उनकी
तो हम उनसे 4-5 सवाल पूछेंगे, जवाब देने की हिम्मत है तो बताएं। आज तक हमने नहीं सुना कि गौतम अदानी पर वो एक शब्द बोली हो, बोल भी नहीं सकती। और उनके अपनी पार्टी के स्कैंडल्स और स्कैम्स को अगर हम सामने लाएं तो उनको शायद कई दिन लग जाएंगे वापस मीडिया के सामने आने में। जयराम रमेश जी ने ठीक कहा, वो अपनी चिंता करें। राहुल गांधी की चिंता पूरा देश करता है, उन्हें करने की आवश्यकता नहीं है। खरगे जी, व्हाट यू आर स्टैंड सनातन धर्म? हूज दैट? यस, दिस सनातन धर्म, सनातन धर्म स्टालिन सर। ऑलरेडी स्पोकन, ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड, मिस्टर मोहन भागवत हैज रिस्पॉन्डेड, आई डोंट नीड टू रिस्पॉन्ड। Why is she interested in our manifesto? She should be worried about non-implementation of her own father's party's manifesto. आप हैं BRS में, चिंता आपको कांग्रेस की हो रही है। अरे तेलंगाना की चिंता करते तो आज ये सब दिक्कत नहीं आ रही होती। आप अपनी पार्टी की चिंता करिए ना, आप तो खुद इलेक्शन हारी हैं। जब आपके पिता मुख्यमंत्री हो तब आप चुनाव हार गई हो, तो आपको तो ज्यादा चिंता होनी चाहिए कि क्यों हारी, आत्मचिंतन करना चाहिए। ओवन जी, दो सवाल हैं। एक तो ये कि जो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बहुत दिनों बाद दिल्ली से बाहर एक बड़े पैमाने पर हो रही है, इसका थीम क्या है जनता के सामने, ये बताना चाहिए। देखिए साहब, थीम बड़ी स्पष्ट है, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें सत्ता की लड़ाई मुबारक हो, जनता जो चाहती है हम वो कर रहे हैं। थीम बड़ी स्पष्ट है, भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। सर एक और सवाल है, आपके उप मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के TS सिंहदेव, उन्होंने बयान दिया है कि हमने आज तक जो भी केंद्र से मांगा वो हमको मिला, बेहतर संघीय ढांचा है हिंदुस्तान में। बार बार कांग्रेस पार्टी कहती है कि एक तरीके से सौतेला व्यवहार करता है केंद्र, आप ही के उप मुख्यमंत्री उनकी केंद्र क्या है कि जब जिस राज्य में जो मन होता है वैसा करता है। अब मैं जिस राज्य से आता हूं, वहां पूर्वी नहर परियोजना की आपने स्थिति देखी, वहां केंद्र क्या कर रहा है। अलग अलग राज्यों में जैसे राजनीतिक संबंध उनके होते हैं, जैसे वो राजनीति खेलना चाहते हैं वैसी राजनीति खेलते हैं। तो संघीय ढांचे का तो सम्मान भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, ये आरोप आप उन पर नहीं लगा सकते कि वो संघीय ढांचे का सम्मान करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। सो द इशू इज अबाउट द डेविल इज इन द डिटेल्स इन टर्म्स ऑफ द इंडिया अलायंस एंड इन द कांग्रेस वर्किंग कमिटी वेयर यू आर मीटिंग टुडे, you will definitely leave it to the Congress president and others to take a decision on terms of alliances. But the big question is, can you be able to find, because you all have always evaded the the critical issue of seat sharing, saying that as far as possible, we'll try to do it. Are you ready today? Will the CWC say that we are ready to work with the Aam Aadmi Party, we are ready to work with Mamata Banerjee, we are ready to work with others across the country in forging alliances and putting up a united front against the BJP? Listen, I don't think any one of us is at liberty to preempt what will happen in the CWC or what will happen in subsequent meetings of the India Alliance, because we are not the only ones here. I'm not the only member of the CWC. There are others. So let the collective wisdom prevail first. How can I preempt any of these questions or any of these answers? I don't think I am at the liberty, or any one of us is at liberty to do that. पवन जी, एक देश एक चुनाव, हू एम आई एज एन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द CWC टू बी रेडी और नॉट रेडी? लेट देयर बी कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ आवर पार्टी। एवरीबडी हैज अ राइट टू वॉइस हिज और हर ओपिनियन एंड देन द कलेक्टिव विजडम प्रिवेल्स। पवन जी, एक देश एक चुनाव की बात लगातार हो रही है, उसके लिए कमेटी भी केंद्र सरकार ने बना दी, क्या CWC में उस बात को लेकर के चर्चा होगी? क्योंकि 5 राज्यों में अब चुनाव होने हैं और ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के सामने अगर जल्दी रिपोर्ट आ गई तो वो लोकसभा के साथ ही सभी राज्यों के चुनाव करा सकती है। और अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर कुछ ऐसा प्रयोग करना ही है तो उत्तर प्रदेश से शुरू कीजिए, तो इस बारे में आपकी पार्टी का क्या सोचा? याद होगा जी, उत्तर प्रदेश का असेंबली चुनाव हुआ था, कितने चरणों में हुआ था, और कोई असेंबली चुनाव आप पिछले 5 साल का उठा के देख लीजिए कितने चरणों में हुआ। आप एक चुनाव एक चरण तो लागू कर नहीं पाते हो, आप एक देश एक चुनाव लागू करोगे? ये शिगुफे छोड़े जाते हैं, ये किस दिन छोड़ा गया?
ये उस दिन छोड़ा गया जिस दिन राहुल गांधी ने अदानी जी पर एक प्रेस वार्ता की बंबई में। तो आपको जब इस तरह का कोई नारा सुनाई देता है ना दिल्ली से आता हुआ, तो पहले देखिए कि कोई खबर अदानी पर तो नहीं छपी, कि कहीं कोई चीन का तो कोई खबर नहीं छप गई, या कहीं कोई जय शाह पर तो खबर नहीं छप गई। यह सिर्फ एक डायवर्शनरी टैक्टिक होती है। तो जो दिखता है उसको मत देखिए, जो छिपाया जाता है उसको देखने की कोशिश कीजिए। पवन जी, इंडिया अलायंस पार्टी लीडर्स ममता बेनर्जी, अखिलेश यादव कंडेम्ड एपी एक्स चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबु नायडू अरेस्ट, बट स्टिल कांग्रेस पार्टी नॉट रिएक्टिंग ऑन दैट इश्यू। व्हाट इज कांग्रेस रिएक्शन ऑन दैट? आई एम श्योर वी डिड, सम ऑफ आवर लीडर्स, आई सॉ द कमेंट्स, वी हैव, आई थिंक, या वी हैव रिस्पोंडेड, वी हैव रिस्पोंडेड। सो उसमें क्या बार बार क्यों रिस्पोंड करना, ऑलरेडी रिस्पॉन्स आया है। क्या है? भट्टी विक्रमादित्य हैज ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड, हैज कंडेम्ड इट, ही हैज क्रिटिसाइज्ड इट एंड कंडेम्ड इट। हाँ, माइक आ रहा है। पवन जी, आशीष देसाई फ्रॉम एपी न्यूज। तेलंगाना हैदराबाद में चुनाव के पहले ये सीडब्ल्यूसी हो रही है। मेरा सीधा सवाल है, क्या इस चुनाव में, तेलंगाना के चुनाव में, आप कोई मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर चुनाव में जाएंगे, या चुनाव के बाद अगर आपके पास नंबर्स आते हैं तो आप यहाँ पर फिर उसके बाद निर्णय लेंगे? ये प्रक्रिया सीडब्ल्यूसी का तो काम ये नहीं है। लेकिन आपने यहाँ पर जब ये किया है, कल भी हमने देखा था केसी वेणुगोपाल जी ने बोला था कि हम चुनाव को मद्देनजर यहाँ पर सीडब्ल्यूसी कर रहे हैं। चुनाव में रणनीति क्या होनी चाहिए, कैंपेन किस तरह से, किन मुद्दों पर होना चाहिए इत्यादि, ये मुद्दे होते हैं। बाकी हमारी प्रक्रिया है, जो जिन जो सवाल आप पूछ रहे हैं उस बाबत तो हमारी पार्टी में एक बड़ी स्थापित प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया का के ही चरण अलग अलग होते हैं जिसमें निर्णय लिए जाते हैं। पवन जी, प्रसाद भोसेकर, जी न्यूज। कांग्रेस ने यहाँ पे, तेलंगाना कांग्रेस ने 6 गारंटीज का ऐलान किया है, लेकिन टीआरएस का कहना है कि कर्नाटका में तो वो पूरे नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे कैसे होंगे? इनको हो गए साहब 9 साल, कर्नाटक में हमें हुए 3 महीने। 3 महीने वर्सेस 9 साल भी अगर आप कंपेयर करेंगे ना, तो कर्नाटक इनसे आगे होगा। तो मतलब सोचे समझे बगैर ये लोग बोलने लग गए। इनकी वही हालत हो गई जो दिल्ली में मोदी जी और अमित शाह जी की हो गई है, बिना सोचे समझे बोलने लग गए। अब 9 साल से आप यहां बैठे हो, आज भी वाटर लॉगिंग हो जाती है हैदराबाद में, आज भी फ्लडिंग हो जाती है हैदराबाद में। चलिए बाहर, मैं गांव की तो बात बाद में करूंगा, शहर जहां हम बैठे हैं यहां क्या हालत हो जाती है। 9 साल आपको हो गए और आप बात कर रहे हैं कर्नाटक की, जहां 3 महीने हुए हैं सरकार को और ऑलरेडी काम शुरू हो गया है। पहली कैबिनेट में डिसीशंस लेने शुरू हो गए, जो गारंटीज थी उसमें बस फ्री बस वाली सेवाएं शुरू हो गई हैं, और भी ऐसे अनेक गारंटीज हैं जिन पर, जिनको क्रियान्वयन हो गया, लागू कर दिया गया। तो हम कहते हैं कि ये हिट एंड रन मत करिए, सामने आइए, जिसको भेजना है भेजिए, डिबेट करिए, चलिए ले आइए आप अपना 2 मैनिफेस्टोस, पिछले वाले और इस वाले, और हम अपने कर्नाटक का 1 मैनिफेस्टो लाकर और सामने आमने बैठकर बात करते हैं। आप सब जज बन जाइएगा, यू बी द ज्यूरी, वी आर रेडी टू डिबेट। थैंक यू। एनीथिंग एल्स शुड बी? या यू आस्क्ड 2 क्वेश्चंस। कमलनाथ जी को लेकर जो है हेमंत बिस्वा जी का एक बयान आया है कि वो सबसे थका हुआ चेहरा है और उनको आप आगे कर रहे हैं, और दूसरा ये कि 2-3 महीने से जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, अगर ऐसे ही हालात रहे तो ये चुनाव बड़ा हो गया है, क्योंकि अब ये चुनाव हमारे 5,000 साल पुराने सिविलाइजेशन के बैटल को। हेमंत बिस्वा शर्मा जी, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, अगर वो कह रहे हैं कमलनाथ जी थके हुए हैं तो वो निशाना मोदी जी की तरफ है। उम्र दोनों की आसपास ही है, कमलनाथ जी की और मोदी जी की। अब मोदी जी को खतरा जो आ रहा है आसाम से आ रहा है। तो ये देखिए, पॉलिटिक्स में जो बोला जाता है उसके पीछे कई चीजें होती हैं। तो अब ये इशारा कहाँ है, हेमंता बिस्वा शर्मा जी से पूछिए। खैर, हेमंता बिस्वा शर्मा जी को आजकल नींद नहीं आ रही है, हमें उनके लिए बुरा लगता है। अच्छी नींद की कुछ गोलियां हैं, अगर वो डॉक्टर से बात करें तो लेनी चाहिए उन्हें। उनको बड़ी चिंता हो गई जब से कुछ खुलासे होने लग गए उनके परिवार के बिजनेस के बारे में, उनकी पत्नी की कंपनियों के बारे में। पहले कहते हैं साहब
10 करोड़ लिया ही नहीं, आया ही नहीं। अरे जब आया नहीं, लिया नहीं, तो आपने अप्लाई क्यों किया था पहले, इसका तो जवाब दीजिए। किस हैसियत से आपने, प्रधानमंत्री ने जो योजना गरीब कल्याण के, किसान के कल्याण के लिए थी, उस योजना में हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी की कंपनी अप्लाई क्यों करती है सब्सिडी के लिए, इसका जवाब दें। चलिए, तो वो अभी घबराए हुए हैं, बौखलाहट में इस तरह की टिप्पणियां निकल जाती हैं। अब जब मेरा जवाब आप वहां उन तक पहुंचा देंगे कि निशाना मोदी जी की तरफ था, देखो फिर कल कुछ और अजीब सी बात कर देंगे, तो घबराए हुआ आदमी कुछ भी बोल सकता है, और खास तौर पे तब जब नींद पूरी नहीं हो रही हो।